call me a god. You call me a god. You call me a वेलकम टू माई चैनल। सो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लेकर, एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल की वीडियोस। एंड जन्माष्टमी झांकी के लिए, जैसे जो भी शॉपिंग वगैरह होते हैं, जो भी झांकी वगैरह बननी होती है डेकोरेशन के लिए, वो सभी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज से जन्माष्टमी तक डेली मैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी स्पेशल की वीडियो लेकर आऊंगी। और वैसे जन्माष्टमी स्पेशल पर पिछले साल भी ना मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, जैसे कि कंस कारागार, यमुना नदी, गोकुल धाम बनाया था मैंने, मतलब बहुत सारी वीडियोज बनाई थी। रासलीला भी बनाई थी और कृष्ण जी की वो मटकी वाला सीन भी बनाया था, मतलब बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। और कंस कारागार जो कि पिछले साल मैंने बनाया था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए इस बार मैंने नहीं बनाया। इस बार की डेकोरेशन में मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। और मैं ना पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हमारी सारी वीडियोस अच्छी लगे। आपको पता है ये मोटी ना बहुत बुरी है, मुझे वीडियो में ना लाए, इसलिए ना जब मैं सो जाता था तब वीडियोस बनाती थी। बाप रे, ये कहाँ से आ गया, अब पूरी वीडियोस में इसको भी लाना पड़ेगा, क्या मुसीबत है। नहीं क्या मन मन में क्या बोल लिया, हिम्मत है तो सामने बोल ना। कुछ नहीं, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते रहें। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड, और उसके बाद हमें चाहिए न्यूज़पेपर। टूटू जरा न्यूज़पेपर मरोड़ कर देना। देखा पड़ गई ना मेरी जरूरत, ये ले जल्दी पकड़। ये क्या कर दिया मैंने, क्या किया तूने, तो बोला न्यूज़पेपर तोड़ के दे। मैंने तोड़ कर नहीं, मरोड़ कर बोला था, तू रहने दे मैं खुद कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ न्यूज़पेपर लिए हैं, जिनको मरोड़ कर ना कुछ पीसेस में इस तरह से रेडी कर लूंगी। और ये जो कार्डबोर्ड है ना, इसके चारों तरफ हम इन सभी को अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में मैंने होममेड क्ले लिया है, और होममेड क्ले को ये जितना भी न्यूज़पेपर है, कार्डबोर्ड है, इन सभी के ऊपर ना मैं फेविकोल से अटैच कर दूंगी। और जैसे कि इसके अच्छे से ड्राई होने से पहले पहले ना, हम इस होममेड क्ले को अच्छे से पानी की हेल्प से फिनिशिंग दे देंगे। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, तो उसके बाद ना मैं इसमें कलर का काम शुरू कर दूंगी। जैसे कि अंदर की साइड में मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ब्लू कलर। ब्लू कलर इसलिए क्योंकि अंदर की साइड ना हमें थोड़ा पानी जैसा सा दिखाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये ब्लू कलर अप्लाई कर देना है। और बाहर की साइड में ये जितने भी मैंने न्यूज़पेपर वाला पार्ट था ना, वहाँ पर सब जगह मैं ये ब्राउन कलर और कुछ ग्रीन कलर इस टाइप से अप्लाई कर दूंगी, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। और इसी के साथ ना, मतलब पिछले साल भी ना मैंने ना बहुत सारे ऐसे आर्ट पीसेस बनाए थे जन्माष्टमी पर। मैंने मतलब फर्स्ट पार्ट से लेकर और जन्माष्टमी तक बहुत सारे पार्ट्स बनाकर कंप्लीट किए थे, जैसे कि कंस कारागार बनाया था मैंने, और ये जो यमुना नदी वाला पार्ट है ना, ये भी मैंने पिछले साल वैसे बनाया था। लेकिन पिछले साल क्या हुआ ना, कि जैसे कि मैं ये नदी बना रही हूँ अभी यहाँ पर, तो वो जो उस पिछले साल जो मैंने बनाई थी ना, वो तो टूट गई थी, लेकिन उसकी जो मैंने मूर्ति बनाई थी ना, वो अभी भी ऐसी की रखी थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि ये बस ये जो यमुना नदी है ना, वो हम तैयार कर लेते हैं, मूर्ति हम पिछले साल वाली तैयार कर लेंगे, क्योंकि उसका ना कलर थोड़ा सा ऐसा डल हो गया था, तो कलर हमें बस दोबारा से अप्लाई करना है, बाकी मूर्ति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है कि मूर्ति मैंने किस तरह से बनाई है, तो पिछले साल जो यमुना नदी वाला पार्ट है ना, आप उसमें देख सकते हो, जन्माष्टमी स्पेशल का जो सेकेंड पार्ट है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो ये है वो पिछले साल वाली मूर्ति, आप लोग देख ही सकते हो कलर कितना बेकार हो गया, बहुत लाइट भी हो गया था। तो इसी के ऊपर ना ऐसे ही मैंने ये कलर अप्लाई कर दिए थे, और ये आप लोग देख ही सकते हो, कलर अप्लाई करने के बाद में ये बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाली है। और साथ ही पिछले साल जो मैंने कंस कारागार बनाया था ना, वो आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में वैसे देख ही लिया होगा, और अच्छे से डिटेल में मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। और साथ ही उस वीडियो का कंस कारागार का जो लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, पूरा ट्यूटोरियल मैंने उसमें बताया है। तो यहाँ पर ये मूर्ति जो है, इस पर भी मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कलर जो है वो अप्लाई कर दिया है। कलर अप्लाई करने के बाद में जितना भी हमने ये नदी बनाई है और ये
मूर्ति पर जो हमने कलर किया है ना, इस पर हम अच्छे से वार्निश अप्लाई कर देंगे ताकि ये फिर से कलर ऐसे खराब ना हो। तो आप लोग देख ही सकते हैं, ये जो हमने यमुना नदी बनाई है अपनी छोटी सी, इसके अंदर की साइड, बाहर की साइड और इसी के साथ में ये जो मूर्ति है उस पर भी मैं यहाँ पर अच्छे से भर भर के ये वार्निश अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं इसको बहुत ही अच्छे से संभाल के रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से वार्निश अप्लाई कर दिया है, आप लोग देख ही सकते हो कितनी अच्छी फिनिश चंग आई है, कलर कितने अच्छे से चमक रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कलर अप्लाई करने के बाद में मैंने ये थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर दिया इसको, और ये जो यमुना नदी बनाई है ना उसमें भी मैंने पानी भर दिया, कुछ पत्थर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मुझे तो ये सच में बहुत प्यारा लग रहा था, बाकी आपको कैसे लगा ना प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो जिसमें कि मैंने जन्माष्टमी झांकी के लिए ये कृष्ण जी और वासुदेव जी वाला सीन शो किया है, एंड आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो जन्माष्टमी स्पेशल का सेकंड पार्ट हम लेकर आने वाले हैं कल, तो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूल जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।